हबीबी हबीबी इंडिया हबीबी। इजिप्ट इज फेमस फॉर इट्स मार्केट्स, और अगर आपको मार्केट और शॉपिंग पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। like this? क्योंकि हम आपको लेकर जाएंगे इजिप्ट की सबसे बेहतरीन मार्केट में, जिसका नाम है खान अल खलीली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, और आज है 8th डे इन इजिप्ट। करेक्ट, तो आज ये हमारे ट्रैवलिंग करियर का पहला दिन है जहाँ पर हम इतना लेट निकल रहे हैं, लगभग 12 बजने वाले हैं, और आज हम सबसे लेट उठे सो गए क्योंकि हम बहुत थक गए थे कल अलेक्जेंड्रिया घूम के, और अलेक्जेंड्रिया कल हमने पैदल कवर किया था। बिल्कुल, और 8 घंटे का हमारा वो टाइमर था कि 8 घंटे में हमें अलेक्जेंड्रिया सिटी घूमनी है, और वो भी बाय फुट। हाँ, तो वो बहुत एक्साइटिंग व्लॉग हमारा बना है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक उसका यहाँ पर आ रहा है, और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए। तो आज हम कायरो पैदल एक्सप्लोर करने वाले हैं, हमारे लोकल होस्ट ने काफी सारी मार्केट्स और सजेशंस दिए हैं जी। और आज है एक्चुअली फ्राइडे, और फ्राइडे और सैटरडे को अरब या मुस्लिम स्टेट्स जो है वो बंद होते हैं, छुट्टी होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी दुकानें जो हैं वो बंद हैं। और यहाँ पर फ्राइडे को 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक एक लोकल मार्केट लगती है रामसेस स्क्वायर के बिल्कुल पास में। तो हमारे ये बीएनबी होस्ट ने बताया कि आप यहाँ पर ज़रूर जाना, तो हम वही विजिट करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे आज तहरीर स्क्वायर, खान अल खलीली मार्केट, जो कि बहुत फेमस है, सिर्फ कायरो में ही नहीं, पूरे इजिप्ट में जो बहुत फेमस मार्केट है वो खान अल खलीली। और उसके बाद एक 250 साल पुरानी एक शॉप है जहाँ पर हम कुछ पीने के लिए जाएंगे, क्या नाम है सिल्वर डिश का? सहलाब। तो ये अमेजिंग से डिश पियेंगे। और ये जो शॉप है ये है खान अल खलीली में, और बहुत सारा नाम सुना इसके बारे में। इनफैक्ट हमारे इंडियन जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो भी अगर इजिप्ट आते हैं तो वो इस रेस्टोरेंट में जरूर जाते हैं। तो आज बहुत कुछ पावर पैक कायरो दिखेगा आपको, तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लेकर चलेंगे कायरो की गलियों में। ओके, तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यही है बाब अल शारिया मार्केट, जो कि फ्राइडे मार्केट की तरह लगती है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप है इधर उधर, तो थोड़ा बहुत यहाँ घूमेंगे फिरेंगे और फिर जाएंगे हमारे अगले स्टॉप की तरफ। तो ये है आपके लिए बाब अल शारिया मार्केट। तो फ्राइडे मार्केट के बाद हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी खान अल खलीली मार्केट, मगर वहां तक पहुंचने में हमें रास्ते में एक बहुत ही सुंदर स्ट्रीट मिल गई बाई चांस, जिसका नाम है अल मोई स्ट्रीट, और बहुत ही ज्यादा हैपनिंग स्ट्रीट है ये। यहाँ पर बहुत सारे खाने के ऑप्शन भी मुझे दिख रहे हैं, अगर आप चाहें अपना ब्रेकफास्ट यहाँ करना तो आप ब्रेकफास्ट लंच या डिनर यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। और इसी स्ट्रीट पर आपको ये नजर आएगी एंशियंट मॉस्क, जिसका नाम है अल अकमर। और इस खूबसूरत स्ट्रीट को पार करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं वन ऑफ द बेस्ट मार्केट ऑफ इजिप्ट, जिसका नाम है खान अल खलीली। खान अल खलीली। शुक्रान मिस्टर हुसैन ज़िब्दिया। शुक्रान। इंडिया। अब हम खड़े हैं द मोस्ट आइकॉनिक मार्केट ऑफ इंटायर इजिप्ट, जो कि है खान अल खलीली, जो कि बिल्कुल मेरे पीछे है। चलो थोड़ा सा अंदर शॉपिंग करते हैं, या गेड़ी मारते हैं, या विंडो शॉपिंग करते हैं। खान अल खलीली की मार्केट में एक चीज बहुत ही मजेदार है कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो इतने पुशी नहीं है, आपको पुश कर करके ना आपको सामान नहीं बेचेंगे, जैसा हमारा एक्सपीरियंस था टर्की इस्तांबुल के ग्रैंड बाजार में। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर आपको एक बार पूछेंगे इंडियन वांट टू सी मोर कम इनसाइड, अगर आप उसको थैंक यू बोल दोगे तो आपको फिर से परेशान नहीं करेगा। तो बहुत ही ज्यादा कलरफुल मार्केट है, हैपनिंग मार्केट है, अगर आप कायरो में हैं तो ये मार्केट आना मस्ट है। हमारी तरफ से ये हाईएस्ट रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पर आए, और सोवेनियर्स अगर आपको खरीदने हैं तो वह जरूर खरीदे। तो चलते चलते एक और पॉइंट है खान अल खलीली मार्केट में, जो कि है अल फिशवे करके एक रेस्टोरेंट है, कैफे है, जो कि 250 साल पुराना है, जिसका हमने इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में भी दिया था कि अगर इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस भी आते हैं तो वह यहाँ पर जरूर आते हैं। अब हम वहीं जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। ये है आपका 250 साल पुराना कैफे सहलाब। शाहलाब।
लोकल्स की रिकमेंडेशन थी कि आप साला आपको जरूर ट्राई करें, तो इसलिए हमने अभी वही ऑर्डर करा है। और इनफैक्ट यहाँ पर ना ये 250 साल पुरानी कैफे है, इसका जो पूरा एम्बियंस है बहुत ही ज्यादा पुराना सुंदर, ऐसा लग रहा है पूरा गोल्ड 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 हो रखा है। तो अगर आप कायरो में है, खाने खलीली मार्केट में है, तो यहाँ पर जरूर आना। ये आगे भैया हमारा शाला, ऊपर से जबरदस्त ड्राई फ्रूट, कोकोनट और कहने गगन का दूध जैसी कुछ कुछ तो ड्रिंक है। हाँ, और ये जो नाग अमीदी वाले अम्र भाई थे, उन्होंने बोला था कि आप इसको जरूर ट्राई करना कायरो जाकर, तो इसलिए हम लोग आ गए यहाँ पर इसको ट्राई करने। और ये सहलाब को हम मिक्स करते हुए, मुझे से लग रहा है कि इसमें है कोकोनट, किशमिश और काजू और पीनट्स। पीनट्स नहीं आ रहा था याद। और ये मैडम सहलाब का ट्राई लेती हुई, फर्स्ट सिप ऑफ सहलाब, क्या है ये बवाल बताइए जरा, सहलाब ने क्या तूफान मचाया यार। कुछ तो गरम गरम है, ठीक है, और गरम खीर सी लग रही है मुझे। गरम खीर? हाँ, ओ गरम खीर सी लग रही है मुझे, मगर ऐसा अभी तक मैंने टेस्ट करा नहीं अपनी लाइफ में ऐसी गरम खीर। ऑब्वियसली इंडिया से बहुत अलग है, मीठा नहीं है, फीका टेस्ट, पर ऐसे मुझे फैनी नहीं होती, फैनी को मिला के ड्राई फ्रूट डाल के, नाइस, खीर का कंपैरिजन तो नहीं है पर अच्छा टेस्ट है, मतलब ट्राई किया जा सकता है आके, देखने में बहुत सुंदर है, एम्बियंस बहुत सुंदर है, एक्सपीरियंस लिया जा सकता है यहाँ पे आके कंफर्म। और मेरे हिसाब से ना इसका टेस्ट जो है वो खीर जैसा है, अरुण के हिसाब से इसका टेस्ट कैसा है? फेनी इज अ फेनी नहीं होती जो आप सर्गी में खाते हो वो। हाँ, तो आप खुद आओ और हमें बताओ इसका टेस्ट आपको कैसे लगा, और फिर आगे कमेंट जरूर करना हमारे चैनल में। लगी या फेनी लगी? यस। ये देख रहे हो अरुण की फैन फॉलोइंग, आहा लोग आके कह रहे फोटो खिंचाओ फोटो खिंचाओ। तो कैसा लगा हीरो बन के? हीरो नहीं भाई, वो भारतीयों को इतना प्यार करते हैं अरुण, देख के इंडिया, अभी सिल्वी में एक बंदा बोल रहा था करीना कपूर, तो ये इंडियन के लिए प्यार है, तो अच्छी जगह इजिप्ट है, रहो बहुत मजेदार, और ये सहलाब ट्राई करो आके। अल हबीबी, ये है अल फिशावी, बहुत ही बढ़िया एम्बियंस, सामने इतने बड़े बड़े मिरर्स लगा रखे हैं, ये सिल्वी सहलाब सूतने में लगी हुई है, ये बड़ी सुंदर सी चेयर्स हैं, और ये किसी मिनी सी टेबल हर एक बंदे के लिए लगा रखी है। अब कुछ सामान, हाँ सामान देते रहते हैं। शुक्रान करीना कपूर या देखो ये भैया बोल रहे करीना कपूर। शुक्रान शुक्रान। इतनी बिजी मार्केट है कि पैदल लोगों का भी जाम लग गया है, अब आगे कहाँ जा रहे हैं हमें आइडिया नहीं है, बस हम जा रहे हैं क्योंकि भीड़ जा रही है। भाई से हमने सैंडविच बनाने के लिए बोला है, वेज सैंडविच, ये हमें ब्रेड में जैम लगा के दिया है सलाद के साथ, 10 पाउंड का। मूड ऑफ हो गया सिल्वी का। सिल्वी को लगा वेजिटेबल ऐड करेगा, उसने खाली जैम लगा के दे दिया, ये है लैंग्वेज बैरियर। तो अब समय आ गया है मार्केट घूमते घूमते कुछ सुविनियर लेने का, जिसको हम अपने देश अपने वतन लेके जा सके। दुनिया घूमने के बाद हम फिर से आ गए हैं कैमल बाजार, क्योंकि यहाँ के रेट काफी सही लग रहे थे इस मार्केट में, तो सिल्वी कह रही है कहीं और से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, अंकल से ही लेके मानूंगी मैं, अब ले लो अंकल, अंकल भी नहीं भाव देंगे, अंकल कहेंगे तुम जाओ यहाँ से। वेलकम टू हबीबी इंडिया। तो काफी देर मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद और घूमने के बाद अब हम लोग खानेल खलीली से निकल रहे हैं, हमने परचेज किए हैं पिरामिड्स, क्योंकि घर पे मुझे लटकाने थे वो पिरामिड्स को। और एक टिप है यहाँ पर, अगर आप आओ और अगर शॉपिंग करनी है तो बार्गेनिंग जितनी हार्ड कर सकते हो उतनी हार्ड बार्गेनिंग करना, जब तक वो ये ना बोले ना कि बस दीदी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो तब तक आप बार्गेन उससे करते रहना। जैसे हमारे उसने पिरामिड्स की कॉस्ट हमें सेट ऑफ तीन उसने बताई थी, कितनी 120 इजिप्शियन पाउंड, और पता है उसने हमें कितने पे दिया है? उसने हमें दिया है 50 इजिप्शियन पाउंड में। मैंने उसको बोला 40 लगा ले, कह रहा नहीं आप कहीं और से ले लो, मतलब जब तक वो स्टेज ना आ जाए ना तब तक आप बार्गेन करते रहना। सो बार्गेन हार्ड, यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा सामान है, बहुत एंटीक सा सामान है जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं एज अ सोवेनियर। ये है भैया इजिप्ट की मार्केट, आपको बिल्कुल ऐसी फील आएगी कि आप सदर बाजार पहुंच गए हैं, चांदनी चौक पहुंच गए हैं, वैसे ही ट्रैफिक, वैसे ही सामान, वैसे ही लोग, एकदम सेम टू सेम।
भाई चलते चलते लग गई थी भूख, तो हमें एक कोशारी शॉप नज़र आ गई, यानी रेस्टोरेंट नज़र आ गया, जिसका नाम है अबू अमीन। तो यहाँ पर हम कोशारी खा रहे हैं, एक मीडियम साइज़ कोशारी ऑर्डर की है, जिसका प्राइस है 20 इजिप्शियन पाउंड यानी कि 60 रुपये। और ये है नज़दीक में मोहम्मद नागिब मेट्रो स्टेशन के पास में। तो भाई कोशारी से तो हमें प्यार से हो गए हैं, क्योंकि ये सेफेस्ट वेजिटेरियन ऑप्शन है, जहाँ मर्जी से खा लो, आपका पेट भर देती है, सस्ती पड़ती है, और इसका टेस्ट भी ऑलमोस्ट हर जगह सिमिलर ही है। तो इन्जॉय करो कोशारी, बहुत बढ़िया। तो अभी हम आ गए हैं तहरीर स्क्वायर, और ये काफ़ी अच्छा एरिया लग रहा है। यहाँ पर जगह जगह पे पार्क्स बना रखे हैं, ताकि आप आओ, मस्त बैठो, रिलैक्स करो, और बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस, नॉर्मल पुलिस एंड गार्ड्स भी दिख रहे हैं। सो दे आर प्रोटेक्टिंग द एरिया। और मेरे पीछे एक मॉन्यूमेंट सा भी है, मुझे उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है, बट ये शेप में तो बहुत अच्छा लग रहा है, इंडियन कुल्फी जैसा लग रहा है मुझे, पर मुझे रियलिटी नहीं पता ये क्या है। और अभी हम आए हैं खान अल खलीली से। अगर आप उसको इस मार्केट से कंपेयर करोगे, तो खान अल खलीली इज़ काइंड ऑफ ओल्ड कायरो मार्केट या फिर एंशियंट मार्केट। और यहाँ पर भी बहुत सारे शॉपिंग के कॉम्प्लेक्सेस हैं, खाने की जगह है, और ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड मार्केट है। तो अभी आपको हम दिखा रहे थे चांदनी चौक ऑफ दिल्ली, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कनॉट प्लेस ऑफ दिल्ली। जो आप ये पीछे तहरीर स्क्वायर देख रहे हैं, जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, यहाँ के जो सिग्निफिकेंस है वो ये सिग्निफिकेंस है कि 2011 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इजिप्ट में, जो उस टाइम का एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट था, शायद होसनी मुबारक करके उसका कुछ नाम था, वो पुलिस उस टाइम लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी, जिसके अगेंस्ट लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, और 25 जनवरी को ये मूवमेंट शुरू हुआ था 2011 में, जो स्टार्ट हुआ था इसी स्पॉट से और फैल गया था पूरे इजिप्ट में। और उस दौरान लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मार्चेस निकाले, स्ट्राइक्स करी, तो जो क्लैशेस हुई थी बिटवीन पुलिस एंड यहाँ के लोकल लोगों के बीच में, उस क्लैश में लगभग 900 के करीब लोग मारे गए थे और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। लोगों ने 90 पुलिस स्टेशन्स में आग लगा दी थी, तो बहुत ही क्योटिक सिचुएशन थी। इसीलिए यहाँ पर आप जो देखेंगे, इतनी सारी पुलिस सिक्योरिटी गार्ड्स, डिफेंस के लोग हमेशा बरकरार रहते हैं। तो ये इजिप्शियन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस एक माना जाता है। तो ये है कायरो का सबसे लंबा ब्रिज, और इजिप्ट की हिस्ट्री में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नाइल ब्रिज पर, और आप पीछे देख रहे हैं ये है नील नदी, और ये ब्यूटीफुल सा सनसेट होता हुआ। यस, और अगर आप भी अपना ऐसे प्लान कर सकते हैं कि जब सनसेट का टाइम हो, तभी आप ये नाइल ब्रिज पे रहे। तो आप जो पीछे देख रहे हैं ना, ये है कायरो टावर, जैसे कि आपने देखा होगा हमारी टर्की सीरीज में जो था गलाटा टावर, वैसे ही ये कायरो टावर है। यहाँ से आपको पूरे कायरो का 360 डिग्री पनोरमिक व्यू नजर आता है। यस, हम लोगों का मूड नहीं है जाने का, क्योंकि हम टर्की में स्काई स्क्रैपर्स देख चुके हैं, इजिप्ट में यहाँ कायरो में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है, तो हम लोग तो नहीं जा रहे, पर आप वहाँ जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम एक पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ पर सनसेट आराम से हमें दिख सकता है शांति से। चलो अब आपको दिखाते हैं ये सुंदर सा सनसेट होता हुआ नाइल रिवर पे। तो ये है नाइल रिवर, और वो वहाँ जो दो लोग बैठे हैं, हम भी वहीं जाके बैठेंगे और ये सुंदर से इस सनसेट को होता हुआ देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के अलावा इजिप्ट में आपको तरह तरह के खाने के बहुत स्वादिष्ट ऑप्शन मिलेंगे। तहरीर स्क्वायर के पास में ही ये शॉप है अल अब्द पेस्ट्रीज, जिसकी मिठाइयाँ, बेकरी आइटम एकदम वर्ल्ड क्लास। यू कैन नॉट मिस दिस प्लेस। इस जगह की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप यहाँ पर लगी लंबी कतारों से लगा सकते हैं। ये सब लोकलाइट्स हैं। इतनी भीड़ है इस दुकान में कि जैसे भाई ये फ्री में बांट रहे, देख रहे हो, ये आइसक्रीम के लिए लाइन लगी हुई है। ये गगन लग गई फिर से लाइन में हमारी इस आइसक्रीम के लिए। अभी तो यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, अब फिर भी थोड़ी कम हो गई है। और ये मेहनत की आइसक्रीम, कितने की आइसक्रीम है ये? 15 पाउंड। और ये क्या लिया है हमने? मैंने लिया है पिस्ताचियो। और ये क्रोसे लिया है जो 12 पाउंड का है। ये 12 पाउंड का है? हाँ। अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं, तो करमल शम ये दुकान नोट कर लो, और भीड़ देखो यहाँ पे
पता लग जाएगा आपको क्या क्वालिटी खाना मिल रहा होगा यहाँ पे। और अब बारी है इजिप्ट की सबसे स्वादिष्ट मिठाई को खाने की, जिसका नाम है उमाली। तो इलाहाबाद बेकरी पे पिस्ताचियो आइसक्रीम के बाद हम आ गए हैं बी ब्लान, और यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर की है एक उमाली, विच इज वन ऑफ द बेस्ट स्वीट डिश इन इजिप्ट। तो ये भाई यहाँ पर भी भीड़ एकदम खतरनाक लगी हुई है, अभी आपको दिखाता हूँ। टोकन सिस्टम है, मेरे को मिला है 412 नंबर, और भाई अनाउंस करेगा उसके बाद देगा हमारी उमाली। भाई आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ये पैक करके दिए उन्होंने उमाली, एकदम गर्मा गर्म फ्रेशली बेक्ड फ्रॉम अवन। अब हम इसका स्वाद लेंगे घर जाके। जबरदस्त दृश्य हाथ में लेके घर जाने तक का तो वेट ही नहीं हुआ। तो यही रोड पे खोल लिया है और अभी यही खाएंगे और यही मजे लेंगे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो भाई हमारी कल रात हो गई थी बैटरी डाउन, मतलब हमारी डिवाइसेस की बैटरी डाउन हो गई थी। तो ये अभी जो हमने कल क्रोजैं खरीदा था, ये क्रोजैं और ये कॉफ़ी, अब हम सुबह नाश्ते की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और पीछे वेजी वॉन्डर कुछ व्यस्त हैं अपने फ़ोन में काम करने में। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस व्लॉग, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अब आपको हम मिलेंगे कल नहीं मतलब व्लॉग तो आज ही करेंगे पर ही आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग होगा। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं एक सैटरडे को कायरो में मार्केट लगती है जिसको बोलते हैं एंटीक मार्केट। तो ये हमारा फ्राइडे सैटरडे, हमने इसीलिए प्लान करा था कि फ्राइडे को हम वो जुम्मे वाली मार्केट घूम ले और सैटरडे को हम एंटीक मार्केट घूम ले। ये ऐसी चीज है जो कि अब शायद आपको नॉर्मल डेज में ना मिले, तो हम पहले वहां जाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे वो आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। हाँ, तो हाँ बट जाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग जगह, बहुत अच्छी जगह जाएंगे, जनरली लोग वहां नहीं जाते, हम जाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है हमारे अगले व्लॉग। जनरली लोग जो है वो इजिप्शियन म्यूजियम जाते हैं, मोहम्मद अली पैलेस जाते हैं, कायरो टावर जाते हैं, कायरो टावर जाते हैं, बट हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है म्यूजियम में पैलेसेस में, तो इसलिए हमने वो कट कर दिया। हाँ तो वहां नहीं जा रहे हैं हम, एक इंटरेस्टिंग सी जगह जा रहे हैं। और आज का दिन हमारा कायरो में लास्ट डे है, कल हमारी फ्लाइट है। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले व्लॉग में बहुत मजा आने वाला है, एक्साइटिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, मतलब मोटिवेशन मिलता है ना, पूरा दुनिया घूमनी है आपको, दिखानी है दुनिया घूम के, फिर आप भी घूमो हमारे साथ साथ। ऐसा हो रहा है, लोग वीडियोस देख रहे हैं फिर टर्की प्लान कर ले रहे हैं, मालदीव्स प्लान कर ले रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है हमें सुन के कि आपने हमारी वीडियोस देखी और आप भी निकल पड़े घूमने। तो हमारी इजिप्ट की वीडियोस देखो, इजिप्ट बड़ा सस्ता है और आप भी घूमने जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए जी ठीक है फिर, ये क्रोजैं और कॉफी, क्रोजैं का फर्स्ट व्यू तो दिखाया, ये लो फेस की टुई दिखाई जा रही है, क्रोजैं का फेस देखो, और अब हम इसको खाएंगे और आगे जाएंगे। कॉफी पीऊंगा। यस बाय।